हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्सेस किचन डॉट कॉम। आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म आलू के भल्ले। ये सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं गर्मा गर्म आलू की टिक्की चाट बनाना। आलू को भल्ला बनाने के लिए मैंने लिए है 300 ग्राम आलू। इसको मैंने अच्छे से उबाल के और इसका छिलका निकाल दिया है, और 3 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं। इसके मैंने एजेस निकाल दिए हैं, और 3 चम्मच लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप अरारोट पाउडर भी ले सकते हो। भल्ला को फ्राई करने के लिए मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, आप चाहो तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हो। और इसकी स्टफिंग के लिए लिए हैं मैंने थोड़े से ये काजू, 1 हरी मिर्च इसको मैंने बारीक काट लिया है, 1 प्याज इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। मसालों में मैंने यूज़ किया है सफ़ेद नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और चाट मसाला पाउडर। मैंने लिए हरा धनिया, हरी मिर्च की खट्टी चटनी और इमली की मीठी सॉल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं भल्ले की टिक्की बनाना। तो मैंने एक ये ग्रेटर ले लिया है, तो इसे मैं बड़े साइड से आलू को अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैं सभी आलू को ग्रेट कर लूँगी। आलू को देखिए मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, तो ये कॉर्नफ्लोर लिया था इसको इसमें मिला देते हैं। और जो ब्रेड ली थी मैंने इसको थोड़ा सा भिगो लिया है, इसको भी हम तोड़ के इसमें डाल लेंगे, जिससे हमारे आलू की टिक्की है टूटेगी नहीं, अच्छे से क्रिस्प बनेगी। देखिए सभी को मैंने डाल लिया, तो इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लेते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे इसमें 1/2 चम्मच करीब, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे हमारी टिक्की अच्छी चटपटी टेस्टी बनेगी। और इसमें हम इसी के साथ डाल लेते हैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे भल्ले जो है क्रिस्पी नहीं बनेंगे। देखिए आलू की टिक्की का ये डो हमारा अच्छे से बनके तैयार हो गया है, तो अब हम इसकी टिक्की बना लेते हैं। टिक्की आप अपने बड़ी या छोटी किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। देखिए मैंने इतना बड़ा इसका डो लिया है, तो इसको हम फ्लैट कर लेते हैं इस तरह से। टिक्की में ये काजू थोड़े से स्टफ कर देती हूँ और इसको मैं अच्छे से बंद कर दूंगी। चपटा कर देते हैं और इसे प्लेट में रख दूंगी। इसी तरह से हम सारी टिक्की बना के तैयार कर लेंगे। आलू की टिक्की देखिए हमारे बन के तैयार है, तो इसे मैं फ्राई पैन पर डाल देती हूँ, जिससे अच्छे से सिक जाएंगी। जितनी टिक्की हमारी आ जाएंगी तो उतनी हम पैन में डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इन्हें हम 7 से 8 मिनट तक अच्छे से इसी तरह से फ्राई होने देते हैं, जिससे ये नीचे से क्रिस्पी हो जाएंगी। देखिए आलू की टिक्की भल्ला हमारा एक साइड से सिक गया है, तो इसे हम टर्न कर देंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा भल्ला सिखा है। इसी तरह से सारे भल्लों को मैं पलट देती हूँ। देखिए सभी भल्लों को मैंने अच्छे से पलट दिया है, तो जो इसका ऑयल है इसको हम इस तरह से कर लेंगे, जिससे जो हमारे भल्ले हैं पैन के तवे पे उस पर चिपकेंगे नहीं और अच्छे से क्रिस्पी होकर फ्राई हो जाएंगे। आलू की टिक्की देखिए हमारी अच्छे से सिक चुकी है, एकदम क्रिस्पी हो गई है। देखिए तो इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। इसे मैं इस दोने में सर्व करूँगी और इसको हल्का सा तोड़ देंगे और इसमें डाल देते हैं हम खट्टी चटनी, मीठी इमली की सौंठ, थोड़ा सा हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज और दही को मैंने ले लिया है फेंट के, मैं इसे बताना भूल गई थी, तो थोड़ा सा इसमें हम दही डाल लेते हैं। भले को देखिए मैंने सर्व कर लिया है, मैं थोड़ा सा अदरक इसमें ग्रेट करके डाल दूंगी। आप चाहो तो इसमें ग्रेट करके थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर सकते हो, इससे इसका टेस्ट और भी हो जाएगा।
बहुत ही टेस्टी भल्ला बना है। तो आप देखिए इसमें हम ये डाल देते हैं चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा। तो देखिए गर्मा गर्म भल्ला टिक्की चाट हमारा बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।